एस्पायर हॉस्पिटल से हमारा एक दूसरा मेडिकल कैंप है। पहला कैंप जो है हम एस्पायर हॉस्पिटल में ही किए थे, जिसमें फ्री आई चेकअप किए थे और फ्री ग्लासेस तकसीम किए, फिर सर्जरीज भी फ्री हुए। तो अब जो है मेडिकल कैंप्स एवरी वीक जो है अलग अलग एरियाज़ में करेंगे, ताकि जो गरीब तबका है उनको अफोर्डेबल प्राइसेस में उनको ट्रीटमेंट हो सके। ये एक जी एक मेडिकल कैंप है, तो फिलवक्त अभी डायबिटीज़ और बेसिक जो चेक है वो कर रहे हैं, कोविड टेस्ट या फिर जो करना है कोविड सेंटर्स है मुख्तलिफ जगह पर, तो वहाँ पर जो है कोविड टेस्ट करने का उनको रहनुमाई कर देंगे। कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे, फ्री मेडिकल कैंप्स करेंगे, आई कैंप्स करेंगे, ऐसे मुख्तलिफ जो भी फील्ड्स है उसके देखकर जो है एस्पायर हॉस्पिटल से अलग अलग कैंप्स करेंगे इंशाल्लाह। वी आर प्लानिंग टू हैव एवरी वीक, हर हफ्ता जो है कैंप रखने का इरादा किए हैं। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह शिवाजी नगर हल्के में होगा, ऐसे आगे चलकर अलग अलग एरियाज़ में मेडिकल कैंप्स मुनाकिद किए जाएंगे, दूसरे एरियाज़ में भी होंगे। हम ये सिर्फ लिमिटेड नहीं है, पहले जो है आसपास के एरियाज़ जो नेबरहुड है, पहले पड़ोस इंपॉर्टेंट रहता है, तो पड़ोस के एरियाज़ में जो हॉस्पिटल के पड़ोसी एरियाज़ है तो उन्हें पहले करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे एरियाज़ में जैसे वाइट फील्ड है, यशवंतपुर भी है, वहाँ पर भी जाकर जो है हम मेडिकल कैंप्स करेंगे। जी बिल्कुल, द कॉन्सेप्ट वही है, अगर कोई ऐसा पॉजिटिव आता है डायबिटीज़ चेक करके या फिर हाई है उनको और उनको इलाज करना है, तो उनको एस्पायर हॉस्पिटल को ले जाकर जो है उनका जो भी ट्रीटमेंट है वो कम से कम कीमत में करेंगे। जी बिल्कुल, दवाई भी मुफ्त दी जा रही है यहाँ पर, और जो है ट्रीटमेंट के लिए जब वो आएंगे उनको कम से कम कीमत में करेंगे, जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में जो रेट्स रहता है वो रेट्स पर हम पे नहीं करेंगे इनको। मेन मकसद है ताकि अच्छा में ट्रीटमेंट अफोर्डेबल प्राइस में हो, ये कॉन्सेप्ट है। आज 200 पेशेंट्स तक आए हैं, 11 बजे सुबह कैंप शुरू हुआ, अब तक चला है, अभी क्लोज़ हो रहा है कैंप, तो 200 पेशेंट्स आए हैं और 200 पेशेंट्स को डॉक्टर्स नर्सेज चेक किए हैं लगातार सुबह से, तो उनमें जो रिक्वायरमेंट है जो नेक्स्ट लेवल हॉस्पिटल पे आएंगे तो उनको फर्दर ट्रीटमेंट किया जाएगा। ये पीपल ऑफ ऑल फेथ्स के लिए हमेशा हमारे जो भी कैंप्स हो प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो एस्पायर हॉस्पिटल से हो या इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर से हो, इट इज़ फॉर पीपल ऑफ ऑल फेथ्स, इसमें कोई भी ये डिफ्रेंशिएशन नहीं किया जाता कि मुसलमानों के लिए है या गैर मुस्लिम के लिए है, ये सब के लिए सब फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जो फ्री हेल्थ कैंप जो चेकअप करा रहे हैं इसमें क्या बेनिफिट्स? यूजुअली क्या होता है स्पेशली ऐसे गरीब तबके में क्या होता है, वो लोग जो है हॉस्पिटल को अप्रोच करके चेकअप करना या फिर ख़ुद से चेकअप करना ये नहीं करते और उनको अवेयरनेस भी नहीं रहता। तो होल कॉन्सेप्ट जो है मेडिकल कैंप्स का अलग अलग एरियाज़ में करना, अवेयरनेस लाने लोगों में के लिए, वो एटलीस्ट मुझे जो एक्सपीरियंस है जो भी पेशेंट्स आए उनका कोई भी चेकअप होकर ही नहीं था, तो ऐसे अगर उनको चेकअप्स करेंगे तो क्या है डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने पहले ही और उनको बचाने के लिए काम आसानी हो जाता है। अगर वो एक बीमारी में मुब्तला होकर अगर वो ज़्यादा हो जाता है फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, कॉस्ट भी बढ़ जाता है। अगर प्रिवेंटिव मेजर्स हम लेंगे तो कॉस्ट भी कम होगा और उनको सही रहनुमाई भी मिल जाएगी। क्या ये BPL कार्ड रहने वाले आम लोगों के लिए है, लेकिन हम जो एरिया में है ज़्यादातर BPL कार्ड होल्डर्स है, तो कोई भी आ सकता है कैंप पे। अगर BPL कार्ड के साथ आते हैं तब भी एक्सेप्ट करेंगे, अगर BPL कार्ड नहीं है नहीं बना पाए हैं वो और गरीब तबके से, तब भी उनको लेकर हम NGOs मिलके या फिर जो भी हम कर सकते हैं कम कीमत में उनका इंशाल्लाह इलाज हो जाएगा। देखिए कोविड एक पैंडमिक है, वो चल रहा है, वो तो इसमें गवर्नमेंट भी मेजर्स ले रहे हैं, काफ़ी NGOs भी काम कर रहे हैं, और लास्ट वेव में ये देखा ये गया था कि काफ़ी हॉस्पिटल्स कोविड सेंटर्स बन गए थे, तो जो नॉन कोविड पेशेंट्स थे उनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं थी कि उनको कहीं जाकर दिखा रहे, जो रूटीन चेकअप करने वाले थे सीनियर सिटीजन्स थे तो उनको जो है रूटीन चेकअप का मौका नहीं मिल रहा था क्योंकि नॉन कोविड थे, तो उस वजह से ऐसे सेटअप्स में क्या होता है उनके लिए रहनुमाई हो जाएगी और पहले से ही ट्रीटमेंट जारी रहेगा, तो अल्लाह ना करे थर्ड वेव आए, अगर आ जाए तो उस वक्त उनको कैसे उनको अपने आप को संभाल लेना है ये रहनुमाई दी जाएगी।